Hi guys, welcome back to my channel. This is your Love Song. If you're new to my channel, please subscribe and also share with your friends and family. Oh, okay. So happy weekend, by the way. आज संडे है. मेरा पानी गर्म हो रहा है. आज संडे है. So guys, actually I have something to announce. Not announce. कुछ शेयर करना चाहता हूँ. काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि चुन चुन का बर्थडे सेलिब्रेट करूं, क्योंकि उसका बर्थडे सितंबर में ही होता है. नॉट द बर्थडे की रियल वाला बर्थ नहीं, जब वो मेरे लाइफ में आया था. ही केम टू माय लाइफ लास्ट सितंबर. तो मैं वही सोच रहा था कि सितंबर में ही उसका बर्थडे मैं सेलिब्रेट करूंगा. एंड आई वॉज कन्फ्यूज ऑन द डेट. एंड ऑल्सो मैं पास 2-3 डेज में थोड़ा सा बिजी हो गई थी, वरना मैं 5 तारीख को उसका सेलिब्रेट करने वाला था. पर मैं खुद इतना बिजी हो गया कि मैं चुमचुम का बर्थडे नहीं मना पाया. तो आज संडे भी है, तो मैंने सोचा आज मैं चुमचुम का बर्थडे क्यों ना मनाऊं. यस, सो आज मैं चुमचुम का बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा. आई एम गोना टेक चुमचुम एंड जेमा आउट टू अ कैफे, अ पेट फ्रेंडली कैफे. बेसिकली इट्स अ डॉग कैफे, जहाँ वहाँ पर आपको डॉग का खाना मिलता है, डॉग का केक मिलता है. एंड ऑल्सो आई गेस हमारे लिए भी है वहाँ पर, मतलब हमारा खाना भी अलग है, डॉग्स के लिए भी अलग है. ये मैंने नेट पे सर्च किया था. आई डोंट नो कैसे होगी जगह कैसे होगी, खाना कैसा होगा, आई हैव नो आइडिया. मैंने खुद ही नेट पे सर्च किया था. आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव अ गुड टाइम विद माई बोथ द बेबीज. तो मैंने सोचा कि चलते हैं. नोएडा में है, थोड़ा सा दूर है, थोड़ा दूर, इतना भी दूर नहीं है. इट्स 40 मिनट्स यहाँ से मछलू का टीला से 40 मिनट लगती है. मैंने चेक कर लिया नेट पे सारा कुछ, और मैंने उनसे भी बात कर लिया केक के लिए. एंड क्या, तो पहले मैं खुद एक लेमन टी पीऊँगा, उसके बाद चुमचुम जमा को ग्रूमिंग करवाऊँगा, बस सुंदर लेके जाऊँगा. आज चुमचुम का बर्थडे है स्पेशली, मैं उसको बहुत सुंदर बनाऊँगा. एंड मैं खुद भी सुंदर बन के जाऊँगा. मैं तो हूँ ही सुंदर. सो लेट्स सी आज का दिन कैसे जाते हैं, देखते हैं. तब तक पानी गर्म हो गया, पानी गर्म हो गया. पता है मुझे वो कैफे अच्छा लगता है जहाँ भी डॉग्स को अलाउ करते हैं, यू नो. मेरे हिसाब से ना, अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कुछ होता ना, तो मैं वो हर जगह डॉग फ्रेंडली बना देता, जहाँ पे अभी डॉग अलाउ नहीं है. मतलब क्या है, बच्चा ही तो है, अलाउ कर दो यार. क्या होता है, डॉग्स आर ऑल्सो लिविंग बींग्स. हाँ, वो अलग बात है कि कुछ डॉग्स वाह 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 करते रहते हैं, आवाज़ शोर मचाता रहते हैं, बट सो डज द ह्यूमन बेबीज. एनीवेज गाइस, let's start my day and see. I gotta check what I am gonna wear today. मैं देखूंगा कि आज मैं क्या पहनूंगा. एंड या keep watching. ठीक है, क्यों ना हीपी बच्चे तो हीपी बच्चे तो मत तो हीपी बच्चे हीपी हीपी गाइस, आई एम रेडी. अब मैं रेडी हो चुका हूँ. अब मैं चुमचुम जमा को पहले ग्रूमिंग करने लेके जाऊँगा. स्टे ट्यून. मैं अपनी शीशा को साफ करने के लिए हमेशा भूल जाता हूँ, हमेशा हमेशा हमेशा. तो चुमचुम जमा को ग्रूमिंग के लिए लेके जाना है. उससे पहले मुझे बैग में इनका कुछ सामान डालना है. ट्रीट व्रीट, मुझे लगता है ट्रीट लेके जाने नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर खाने के लिए है पैट्स के लिए. लेट्स सी. तो इनका ग्रूमिंग हो चुका है, हमने इनके लिए बहुत सारा सामान लाया हूँ. Bye.
Disho, ito. Dilis. So, this is the place. बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा डॉगीज है. सो हम जेमा के लिए ड्रेस ट्राई करें. सो यहाँ पे ये भी है शॉप, मतलब उनके लिए कपड़ा एंड ऑल. सो ये उनका बाहर का एरिया है, बाहर का एरिया. हाँ ये देखो कितना प्यारा है. ये यहाँ पे उनका छोटा सा शॉप है, ये यहाँ पे ग्रूमिंग कर रहे हैं ये लोग. ओके 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 ओके. हाँ सो दे आर नॉट फ्रेंडली. मैंने जेमा के लिए ड्रेस ले लिया, ये वाइट वाला. चुनचुन उसको दे के बहुत है. स्टार्ट. चुनचुन को मैंने नीचे रख दिया. चुनचुन बहुत परेशान कर रहा है, स्वर बहुत बहुत परेशान कर रहा है. मैंने अपने लिए पास्ता ऑर्डर किया है. जेमा को तो मैंने छोड़ के रखा, तुम जिनको बांध के रखा है. फाइनली मैंने इनके लिए खाना मंगाया था, चिकन एंड समथिंग आई डोंट नो. ये खाएंगे भी नहीं खाएंगे, एक ही मंगाया है मैंने जानबूझ के. गैस वो डर गई बेचारी. न्या 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 शिक्या वा चुन चुन शिक्या जो तो शेष था. सो हम घर जा रहे हैं, जब मेरे पास है.
गाइस आई एम बैक टू माय रूम। मैं अपने रूम पे आ गई और मैं बहुत थक गई, मेरी आंखें दोनों ना दर्द कर रही है, मैं बहुत थक गया हूँ। चुनचुन का बर्थडे हो गया, सेलिब्रेट कर लिया। वैसे इनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे लिए स्पेशल था क्योंकि सी आई वांटेड टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे ना। मेरे लिए इम्पोर्टेंट था इसका बर्थडे सेलिब्रेट करना, ताकि आई विल रिमेम्बर दिस यू नो फॉर एवर। तो या चुनचुन हो गया एक साल का, क्योंकि वो लास्ट सितंबर में आया था मेरी लाइफ में और मेरी लाइफ पूरा चेंज कर दिया चुनचुन ने। ही चेंज्ड माय लाइफ, ही चेंज्ड मी। सो या बाकी मैं एक चीज बताऊं, कहीं कैफे में अकेला जाना, इट वाज काइंड ऑफ वियर्ड। एंड आल्सो इन दोनों को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। चुनचुन जब दूसरे डॉगी को देखता ना वो पागल हो जाता है, तो इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू हैंडल बोथ ऑफ देम। जेमा तो फिर भी ठीक था, पता है, शी वॉज वेरी काम, शी वॉज वेरी गुड, बट चुंग चुंग पागल हो रहा था। मुझे तो गुस्सा आया ना, मैंने वहां पे बहुत गुस्सा आया जब अकेला पी रहा हूँ, अकेला खाना खा रहा हूँ। सब लोग अपने ग्रुप में थे, फैमिली के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोस्तों के साथ ना, मैं अकेला था वहां पे यार। एनीवेज इट्स ओके। और किस्तों में जल्दी जल्दी बताता हूँ कि जहाँ पे आज मैं गई थी वहां पे क्या क्या हुआ। वहाँ पे मैंने जेमा के लिए एक ड्रेस खरीदा, वो ड्रेस मतलब एक ड्रेस का महंगाई था, मतलब 1000 का था, 1000 को मुझे तो ड्रेस, एक ही ड्रेस को, तो मुझे थोड़ा सा महंगा लगा, तो मैंने सिर्फ एक ही ड्रेस लिया, ठीक है। एंड बस अच्छा था वहाँ पे, मतलब वाइब्स बहुत अच्छे थे, बहुत सारे डॉगीज थे, और मुझे वहाँ का कोल्ड कॉफ़ी मुझे वहाँ का कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छा लगा। मुझे मतलब मुझे बहुत मुश्किल से पसंद आता है कोल्ड कॉफ़ी, तो मुझे वहाँ का कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर है जगह अंदर से, मतलब अंदर मतलब बहुत प्यारा है, काफ़ी बहुत प्यारा है। एंड पास्ता ठीक है, मतलब नॉर्मल था, एंड बस अच्छा था, मतलब सुंदर था, अंदर से बहुत सुंदर बना हुआ था। वेल, ये डॉगीज़ के लिए अच्छा है क्योंकि बहुत सारे डॉगीज़ आते हैं, आप अपने डॉगीज़ के साथ चिल कर सकते हो। इट वॉज अ नाइस प्लेस एक्चुअली, और इतना महंगा भी नहीं है। बस वो कपड़ा और वो जो वो है ना, मतलब एक्सेसरीज जो डॉगीज का, वो महंगा है बहुत। एंड दोनों बच्चे बहुत थक गए, दोनों देखो ऐसे लेट गए। हाँ, मैंने जो ये डॉगीज का जो मैंने केक लिया था, वो केक हाफ केजी का था, हाफ केजी का केक 1000 का था, 1000 का, 1000 का है, मुझे तो ला केक हाफ केजी। वो केक हमारे लिए नहीं है, वो डॉगी का केक है, केक इन द सेंस वो लोगों ने यह है चिकन एंड कैरेट का केक बनाया है। तो या दैट्स इट। तो आज मैंने चुनचुन और जेमा के साथ बाहर गया, कैफे में गया, अच्छा जगह था वो, नया जगह जाके अच्छा लगा यू नो। आज मैंने चुनचुन जेमा के साथ नया कैफे गया, नया जगह गया, चुनचुन का मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया वहाँ पे। बाकी चुनचुन को कुछ गिफ्ट तो नहीं दे पाया, मैं क्या गिफ्ट देता मैं चुनचुन को वैसे भी, बट अच्छा लगा बाहर घूम के। तो आई एम गोना एंड द व्लॉग नाउ, मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। आई एम सो टायर्ड, मैं तो ये दोनों आंखें तक दर्द कर रहे, पता है दोनों आंखें दर्द कर रहे, पता नहीं क्यों ये दर्द, ये और ये दर्द कर। दोनों सो गए, मैं भी थोड़ा सा सो जाता हूँ। अभी तो बस 8 बजे है, मैं रात को 10 बजे राउंड में शायद जिम जाऊँगा, आई विल ट्राई अगर मैं सोया ना हो तो। बाकी ठीक है, बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।